भारतीय विद्यार्थी परिषद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकाई ने की पत्रकार वार्ता आयोजित, जिसमें एबीवीपी के विभाग संगठन मंत्री कुलदीप पूनिया, इकाई अध्यक्ष सुमित राणा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 22 वर्षों के बाद छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी एसपीएसओ एचएसए और एमपीएसए के संयुक्त पैनल पर जीत कर आए नवनियुक्ति अध्यक्ष ओंकार राणा, उपाध्यक्ष नमिता नांदल और एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग सदस्य कमल गोयल, विष्णु भगवान, संदीप राजपूत, गौरव जांगड़ा मौजूद रहे। विभाग संगठन मंत्री कुलदीप पूनिया ने कहा कि 22 साल के बाद छात्र संघ चुनाव में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग के पदों पर जीत हासिल की है। नवनियुक्ति अध्यक्ष ओंकार राणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी हर समस्या का समाधान करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं उपाध्यक्ष नमिता नांदल ने बताया कि उनकी प्राथमिकता विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा का कार्य रहेगा। तमाम समस्याएं जो छात्रों को होती हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी यूनिवर्सिटी में ई रिक्शा चलवाने के लिए भी प्रशासन से मांग की जाएगी, ताकि छात्राओं को आने जाने में आसानी रहे। इस मौके पर यूआईटी अध्यक्ष केशव मोहन, ब्रिजमोहन, पवन शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव सैनी, एचएसए से हैरी सैनी, एमपीएसए से रोमी राणा, एसपीएसओ से युवराज राणा, एबीवीपी के विभाग संयोजक गुरदीप राणा के साथ कई छात्र मौजूद रहे। प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी छात्राओं को लेकर? मैं खुद एक छात्रा हूँ, तो हमने अपने हॉस्टल में हर छात्रा से बात की, उनकी मांगों को हम आगे लेके आएंगे। उनमें से मेन प्राथमिकता ही है, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग है जो कि अभी 6:30 बजे तक है, उसको हम बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल में रीडिंग हॉल है वो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। हम चाहते हैं, हमारी प्रशासन से मांग है कि वो 24 घंटे खुला रहे ताकि छात्राएं उसका लाभ उठा सकें। और भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि अभी हमने वार्तालाप की कि सर्विस चार्जेस हमें सरकारी मैसे में देना पड़ता है, उसको हम बंद कराना चाहेंगे। और गर्ल्स हॉस्टल में रीडिंग हॉल 24 घंटे खुला रहे, एक अच्छा नया जिम हो, और हमारी जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं वो है कि गर्ल्स हॉस्टल का जो टाइम है वो बढ़ाया जाए। अभी जो वर्तमान में समय 6:30 बजे तक है, अभी हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि वो समय बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे छात्रा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे गर्ल्स हॉस्टल में जो वाईफाई की दिक्कत है और जो नेटवर्क है वो बिल्कुल नहीं आता है, तो और खाने की गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है। और सरकारी हॉस्टल की मैस में हमें 530 रुपीज़ हर महीने एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है सर्विस चार्ज के तौर पर, तो हम ये डिमांड करते हैं कि वो भी हटाया जाए। और जो सुरक्षा के निमित्त बातें हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि गार्ड्स हमारे हॉस्टल में काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी हमें एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में भी 10 बजे के बाद नहीं जाने दिया जाता है। और हम ये डिमांड करते हैं कि जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी सिंगल सीटर रूम की अवेलेबिलिटी हो, ताकि वो अच्छे से इसका लाभ उठा सकें। रिक्शा की भी डिमांड आप कर रहे हैं? रिक्शा की डिमांड भी, क्योंकि जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं एमडीयू वगैरह, वहाँ पर फ्री ई रिक्शा भी होती है, इवन तो ई रिक्शा होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी जी। क्या कहेंगे जो सबसे पहले तो मैं सभी छात्रों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी मतों से जीत दिलवाई। हम के हकों के लिए लड़ेंगे, छात्रों के हकों के लिए, चाहे हमें स्ट्राइक करनी पड़े, थर्ड ईयर एग्जाम करना पड़े, हम उनका हक दिलवा के रहेंगे। 22 वर्षों बाद छात्रों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है, छात्रों को अपना हक मिला है, इसे हम गवाएंगे नहीं, छात्रों के हक के लिए लड़ेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 96 से जब छात्र संघ चुनाव से तब से संघर्ष करता आया, लेकिन अब हमें मौका मिला है कि हम छात्रों के लिए कार्य करें। राजनीति हम सब छात्रों का भविष्य तय करती है, तो क्यों ना हम सब छात्र मिलकर राजनीति का भविष्य तय करें। धन्यवाद।
चुनाव जीतने के बाद आज पहली बार सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव के समय पर पिछले 10 दिनों में जो चुनाव की सारी तैयारी है, जो प्रशासन का जो साथ हम लोगों के साथ रहा है वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो है प्रशासन ने स्टूडेंट्स का जो प्रशासन ने यहाँ पर डिसिप्लिन जो बनाए रखा जो कि मैं मतलब उसके लिए प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं क्षेत्र प्रशासन का भी जो है हमारा स्थानीय SP साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक डिसिप्लिन में जो है प्रशासन का भी बड़े अच्छे तरीके से साथ रहा। मैं स्थानीय पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, यानी कि 22 साल बाद जो चुनाव हरियाणा सरकार ने बहाल करवाया था उसके अंदर जो स्टूडेंट्स ने भाग लिया है उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्स का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को अपने काउंसिल के तौर पर हम लोगों को चुना और जो है एक विश्वास जो है प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स तक कि जो भी स्टूडेंट्स की डिमांड होगी और जो आपका काउंसिल है ये हमारा काउंसिल है, आप लोगों का काउंसिल है और ये काउंसिल पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए ही काम करेगा और जो भी स्टूडेंट्स के राइट रहते हैं, जो भी हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट राइट्स रहते हैं उसके लिए जो है आपका काउंसिल पूरा साल जो है काम करेगा।